एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का बीएससी सेकंड ईयर में मैथ्स का क्या सिलेबस है। ठीक है, इस पर हम देखेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए, पहला पेपर जो अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में हैं तो आपको जो पहला पेपर पढ़ना है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है। सेकेंड पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड पेपर का नाम है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये तीन पेपर आपको पढ़ने हैं जो कि इक्वल वेटेज के हैं। इन तीनों पेपर को आपको तैयार करना है अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में। तो अब देखते हैं ये सिलेबस है क्या इनका, जो पेपर्स हैं इनका सिलेबस क्या है। तो जो पहला पेपर है आपका वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहला ग्रुप थ्योरी, एक पूरा अच्छा खासा सब्जेक्ट है ग्रुप थ्योरी, वो आपको पढ़ना है। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिंग थ्योरी। ठीक है, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में दो चीज़ें, आप दो अच्छे से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, पूरी तरीके से ए टू जेड उनका पढ़ना है, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। तो इसका आपका पहला पेपर होगा। और सेकेंड पेपर जो आपका है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, मैथ में, डिफरेंशियल इक्वेशन हर चीज़ का बेस होती है, वो आपको पढ़नी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो पूरा सिलेबस है उसको उसका जो पूरा सिलेबस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, वो भी कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं उसको चाहे तो, और देख सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड पेपर है आपका वो है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या होता है, पहला स्टैटिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन 2D एंड 3D है। ठीक है, कॉमन कैटेनरी है और वर्चुअल वर्क है, फोर्स इन 3D है और सेंट्रल फोर्स सेंट्रल एक्सिस करके दे रखा है। ठीक है, तो और ऐसी डायनेमिक्स आप देखेंगे तो रेक्टिलिनियर मोशन है और सेंट्रल ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, कंस्ट्रेन मोशन दे रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इसी तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है डायनेमिक्स में भी। तो ये पेपर भी काफ़ी बड़ा है, देखने में आपको छोटा सा सिलेबस लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। तो क्या है, ये आपका सिलेबस है बीएससी अगर आप सेकंड ईयर में हैं कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के। पहला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, इसमें भी आपको ये क्या है, जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पेपर है काफ़ी हद तक फिजिक्स से मिलता हुआ पेपर है। ठीक है, आपको लगेगा कि फिजिक्स की चीज़ें हैं लेकिन बस थोड़ा सा मैथमेटिकल उनको रूप दे दिया गया है, मैथमेटिकली हैं आपको पढ़ना है उन्हें। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।